एपिसोड 117। वो मुझे एक आरास्ता बेडरूम में ले गए। डॉक्टर वहां पहले से मौजूद था। उसकी आंखों पर अभी तक चमड़े का ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ था। उसके हाथ पुश पर ले जाकर बांध दिए गए थे। तैमूर ने दरवाजा बंद किया, फिर डॉक्टर की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। उसके बाद उसने डॉक्टर के हाथ भी खोल दिए। डॉक्टर अपनी कलाइयां मसलने लगा, फिर उसने नफरत भरे अंदाज में मुझे देखा और बोला, तुम लोग जो कुछ मेरे साथ कर रहे हो इसके लिए तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम अपना काम करो, हमें मौका नहीं मिला तो जाहिर है कि पछताएंगे नहीं। तैमूर ने ब्लड और ड्रिप के बैग डॉक्टर के हवाले करते हुए कहा। वहां बैग लटकाने के लिए स्टैंड नहीं था, इसलिए तैमूर ने वहां लंबी सी रस्सी बांध दी। डॉक्टर ने महारत से अपना काम किया और एक तरफ बैठ गया। मेरे ख्याल में अब तुम भी आराम कर लो डॉक्टर, हमसे तावुन करते रहे तो खुद भी आराम से रहोगे और तुम्हारी बीवी बेटी भी महफूज रहेंगी। ये कहकर नजीर ने डॉक्टर को साथ चलने का इशारा किया। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने नजीर से ब्रीफकेस लाने को कहा था और वो अभी तक यहीं मौजूद था। मैंने तैमूर से पूछा, डॉक्टर की बीवी बेटी का मसला क्या है? वो दोनों वाकई हमारे कब्जे में हैं या तुम डॉक्टर से ब्लफ कर रहे हो? असल बात का इल्म तो मुझे भी नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, अभी नजीर से मालूम करता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि नजीर ने डॉक्टर पर दबाव डालने के लिए झूठ बोला है। उसी वक्त नजीर भी वापस आ गया। उसने शाजिया से कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो, ना जाने कितनी रातों से जाग रही हो। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं आज दिन में ही अपनी नींद पूरी कर चुकी हूँ। यहाँ कोई नर्स तो है नहीं, कामरान साहब का भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। तुम अभी जाकर सो जाओ, जब हम सोने लगेंगे तो तुम्हें उठा देंगे, तैमूर ने कहा। तो शाजिया बादल नाखास्ता वहां से निकल गई। वो चली गई तो मैंने नजीर से पूछा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर की बीवी बेटी को दोबारा पकड़ लिया गया है? कुछ भी नहीं, नजीर बोला, वो लोग हमारे कब्जे से निकल गई हैं, वरना हम हॉस्पिटल छोड़कर क्यों भागते? वो आखिर निकल कैसे गई? क्या तुम्हारे आदमियों ने भंग पी रखी थी? मैं जाऊंगा तो मालूम होगा कि वो दोनों कैसे निकल गई। नजीर उठ खड़ा हुआ, अब मैं चलता हूँ, मुझे कामरान साहब का ब्रीफकेस भी लेकर आना है। कामरान, अब तुम भी आराम करो, ये कहकर तैमूर कमरे से निकल गया। मेरी आंख खुली तो मुझे ताजगी और फरहत का एहसास हुआ। ब्लड का बैग भी खाली था और ड्रिप भी खत्म हो चुकी थी। मैंने बाएं जानिब देखा, वहां एक कुर्सी पर शाजिया बैठी बैठी सो रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा, उसके बाल शानों पर बिखरे हुए थे और लिबास ही मलगुजा सा था। मुझे मालूम था कि उसने झूठ बोला था कि मैं हॉस्पिटल में नींद ले चुकी हूँ। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी, जग और ग्लास साइड टेबल पर मौजूद था। मैं आहिस्तगी से उठकर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर जग और ग्लास उठा लिया। पानी निकालते हुए जग ग्लास से टकरा गया। शाजिया की आंख खुल गई और वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। अरे पानी चाहिए था तो मुझसे कहते, अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं। ये कहकर मैंने पानी का ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। ग्लास और जग वापस रखते हुए मुझे बाजू में तकलीफ का एहसास हुआ। तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी मगर मैंने शाजिया पर जाहिर नहीं किया। मेरे बाजू में गोली लगी थी और उसे निकालने के लिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा था। मेरे साथ तो मसला यह था कि मुझ पर कोई ट्रैंकुलाइजर भी असर नहीं करती थी। अब यह तकलीफ तो मुझे बर्दाश्त करना थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ कम होने लगी। मुझे अचानक नजीर का ख्याल आया, शाजिया क्या नजीर अभी तक वापस नहीं आया? वो तो रात को ही वापस आ गए थे, आप सो रहे थे इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो आपका ब्रीफकेस ले आए हैं, तुम जल्दी से वो ब्रीफकेस लेकर आओ। मैं दोबारा उठकर बैठ गया। ब्रीफकेस उसी कमरे में मौजूद था। शाजिया ने उठाकर एहतियात से बेड पर रख दिया। वो लॉक नहीं था, मेरे कहने पर शाजिया ने उसे खोल दिया। उसमें नीचे की तरफ बड़े नोटों की गड्डियां तय दर तय रखी हुई थी। उनके ऊपर दवा और सफूफ की शीशियां थी। सबसे ऊपर एक फोल्डिंग राइफल, 2.38 के कॉलेट रिवॉल्वर और एक जर्मन ल्यूगर और उन हथियारों के दर्जनों राउंड थे। मेरे कहने पर शाजिया ने तमाम हथियार निकालकर बेड पर ढेर कर दिए। नोटों के साथ ही वो कागजात थे जिन पर जड़ी बूटियों और सफूफों के इस्तेमाल की तरकीब लिखी थी। मेरी आसानी के लिए कांता ने हर बोतल पर मार्कर से नंबर डाल दिए थे। मैंने अपना मतलूबा सफूफ और महलूल के बारे में शाजिया को बताया। उसने वो दवाएं ब्रीफकेस से निकाल ली। फिर मैं हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। मेरे बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ गया। मेरे जिस्म पर मरीजों वाला ढीला ढाला लिबास था। मैं अपने जख्मों का जायजा लेना चाहता था। आईने के सामने खड़े होकर मैंने शर्ट उतार दी। अपना सीना और पेट देखकर मुझे धचका सा लगा। मेरा पूरा सीना जख्मी था। मुझे जख्म तो नजर नहीं आ रहे थे मगर पूरे जिस्म पर सफेद सफेद पट्टियां दिखाई दे रही थीं। दायां बाजू भी शाने से लेकर कोहनी तक पट्टियों से जकड़ा हुआ था। ये सारी पट्टियां खोल दो,
ये क्या कह रहे हो तुम? तुम शदीद जख्मी हो, पट्टियां खोलोगे तो जख्म खराब हो जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ तुमसे वो करो। मगर कामरान, बहस मत करो शाजिया, मैं खुद भी खोल सकता हूँ ये पट्टियाँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, तुम्हारे बाजू और सीने पर स्टिचेस हैं, तुम समझते क्यों नहीं कि जख्म खराब हो जाएंगे? तुम समझ रहे हो कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है? मैं जख्मों का इलाज ही तो करना चाहता हूँ। चलो पट्टियाँ खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। मत खोलो, मैं खुद ही खोल लूंगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। मैंने पहले बाजू की पट्टी खोली। पट्टी खोलते हुए मैंने एहतियात से काम नहीं लिया, इसीलिए रगड़ लगने से जख्म से खून रिसने लगा। ये देखकर शाजिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने उसका हाथ झटका और सर्द लहजे में बोला, प्लीज तुम चली जाओ यहां से और तैमूर को भेज दो। तुम तो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचा रही हो। मैं तो सिर्फ ये, शाजिया प्लीज यहां से चली जाओ और तैमूर को भेज दो। मैं चीख कर बोला, तुम आखिर समझते क्यों नहीं कि गेट लॉस्ट। मैं पूरी कुव्वत से चीखा। शाजिया ने हैरत से मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन। दूसरे लम्हे तैमूर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नींद का खुमार था। मुझे देखते ही वो बुरी तरह चौंका और झपट कर मेरे नजदीक आ गया। क्या हुआ कामरान, बैंडेज क्यों खोल दी और तुम चीख क्यों रहे थे? मैं अपने जख्मों पर उस बूढ़े जोगी की दवाएं लगाना चाहता हूँ, मगर शाजिया के समझ में मेरी बात नहीं आ रही। तुम ये पट्टियां खोल दो तैमूर। अच्छा तुम बैठ तो जाओ, मैं अभी सारी पट्टियां खोलता हूँ। तैमूर भाई, आप क्या वाकई इनकी बात मान लेंगे? शाजिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे ये बहुत जादू असर दवाएं हैं, आप इत्मीनान से बैठ जाएं, कामरान की फिक्र मत करें, इन्हें कुछ नहीं होगा। तैमूर ने मुझे बेड पर बिठाया और एक एक करके सारी पट्टियां खोल दी। अपने जख्म देखकर चंद लम्हे को तो मैं सकते में रह गया। जख्मों की सफाई और स्टिचिंग करने के बाद डॉक्टर्स ने मेरे सीने के तमाम बाल रेजर से साफ कर दिए थे। मैंने तैमूर के हवाले एक महलूल किया और कहा कि इस महलूल से तमाम जख्म साफ कर दो। उसने ऐसा ही किया। वो महलूल जख्मों से लगा तो मुझे शदीद तकलीफ हुई। मैंने होंठ सख्ती से भींच लिए। तकलीफ की शिद्दत से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और चेहरे से पसीना बहने लगा था। मैं जानता था कि ये चंद मिनट की तकलीफ है, मगर वो चंद मिनट गुजारना मेरे लिए अजाब हो गए थे। 10 मिनट बाद तैमूर ने कॉटन की मदद से दूसरा महलूल मेरे जख्मों पर लगाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में ठंड से उतर गई हो। सारी तकलीफ लम्हों में गायब हो गई। मजीद 10 मिनट बाद तैमूर ने एक सफूफ मेरे जख्मों पर छिड़क दिया और मैं उसी हालत में बेड पर नींद दराज हो गया। मैंने तैमूर से कहा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो ले आओ, मुझे शदीद भूख लग रही है, अगर कॉफी भी मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम आराम से बैठो, मैं देखता हूँ। आप बैठे तैमूर भाई, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ, बस मुझे ये बता दीजिए कि किचन किस तरफ है। ये तो मुझे भी किसी से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं देखती हूँ। आप नाश्ता ला रही हैं तो फिर मेरे लिए भी ले आइएगा, तैमूर ने कहा। शाजिया दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अचानक ख्याल आया कि एक सफूफ मुझे पानी में घोलकर भी पीना है। मैंने तैमूर से कहा। वो सफूफ पीते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी उसे पिया हो। फिर मुझे याद आ गया कि बूढ़े ने जब मेरे हाथों को खोलते हुए पानी में डाला था तो यही सफूफ मुझे पिलाया था। उसके साथ ही मुझे यह हौलनाक ख्याल भी आया कि अब उसके आफ्टर इफेक्ट सुखने हो जाएंगे। मैं पहले उन असरात से परेशान था, अब वो खुराक डबल हो गई थी, मगर मजबूरी थी। सफूफ पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोई हुई कुव्वत ना सिर्फ बहाल हो गई हो बल्कि उसमें कई गुना इजाफा भी हो गया हो। उसके बाद मुझे भूख मजीद शिद्दत से लगने लगी। इस दौरान में तैमूर ने सारी दवाएं और हथियार दोबारा ब्रीफकेस में रख दिए थे। मैंने उठकर अपने जख्मों का दोबारा जायजा लिया। उनमें ना सिर्फ तकलीफ नहीं थी बल्कि खून भी रिसना बंद हो गया था। मैं दोबारा बेड पर जा बैठा। फिर एक शख्स नाश्ते की ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे नजीर और शाजिया भी थे। नजीर मुझे उस हालत में देखकर चौंका मगर बोला कुछ नहीं। ट्रॉली लाने वाला वापस जाने लगा तो नजीर बोला, किसी को भेजकर यहाँ की सफाई करा दो। उसने फर्श की तरफ इशारा किया जहां मेरे जिस्म से उतरी हुई पट्टियों और खून आलूद कॉटन का ढेर था। वो शख्स असबात में सर हिलाकर वहां से चला गया। नाश्ते में पराठे, फ्राई अंडे, कबाब, मक्खन, भुना हुआ कीमा और जैम जेली था। मैं महावरतन नहीं हकीकतन खाने पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बरसों से कुछ ना खाया हो। शाजिया ने दबी जुबान से कहा, डॉक्टर ने कहा था कि आपको ठोस गजा थोड़ी मकदार में दी जाए। आपने गुजश्ता 15 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए आपको एहतियात करना चाहिए। अरे सब चलता है, मैंने मुंह चलाते हुए कहा, मेरा मैदा लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। तैमूर भी मेरा साथ दे रहा था, मगर मैं तो कुछ ज्यादा ही तेजी का मुजाहरा कर रहा था।
मैंने नजीर और शाजिया से भी नाश्ते में शरीक होने को कहा, मगर उन दोनों ने माजरत कर ली। देखते देखते हम दोनों खाने की एक एक चीज को चट कर गए। फिर कॉफी के दो कप पीने के बाद मुझे वाकई नशा सा महसूस होने लगा। मुझे तो नींद आ रही है तैमूर, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस दौरान में एक मुलाजिम खाली बर्तन भी ले गया था और उसने कमरे की सफाई भी कर दी थी। मैं सोने के लिए लेटा तो तैमूर और नजीर दोनों कमरे से बाहर चले गए। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में पहुंच गया। मेरी आंख खुली तो मेरा जहन हल्का फुल्का और तरोताजा था। वर्ल्ड क्लॉक 10:30 बजा रही थी। मैं अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। मेरे बाएं जानेब एक इजी चेयर पर शाजिया बैठी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। तुमने तो सोने के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कुछ मालूम है कितनी देर सोए हो तुम? अरे कभी कभी तो यूं फैल कर सोने का मौका मिलता है। मेरा ख्याल है कि मैं पिछले कई बरस से ऐसे इत्मीनान और बेफिक्री की नींद नहीं सोया था। ये कहकर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा तो शाजिया जल्दी से बोली, अभी नहाने से तुम्हारे जख्म खराब हो जाएंगे, 2-4 दिन मजीद एहतियात कर लो। किन जख्मों की बात कर रही हो? मैंने हंसकर कहा और अपनी शर्ट उतार दी। मेरे जिस्म पर जख्मों के निशान तो थे, मगर जख्म बिल्कुल मुंदमिल हो चुके थे। खुरंड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन पहले मेरे जिस्म पर खराश आ गई हो या किसी चीज से रगड़ लग गई हो। बाजू वाले जख्म में मामूली सी तकलीफ थी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक था। शाजिया को हैरान परेशान छोड़कर मैं बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकला तो तैमूर और नजीर भी मौजूद थे। एक ट्रॉली में पुरतकल्लुफ नाश्ता भी रखा था। उन दोनों ने खुशगवार हैरत से मुझे देखा। तैमूर से ज्यादा हैरान नजीर था। उसे शायद इस जादू सफूफ की तासीर पर यकीन नहीं था। तैमूर मुस्कुराकर बोला, इसका मतलब है अब तुम 100% फिट हो। जी हाँ जनाब, मगर अभी आप मजीद 2-3 दिन रेस्ट करेंगे। शाजिया बोली, तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी है? मैं अगर अब चंद घंटे मजीद भी लेटा तो पागल हो जाऊंगा या मेरे आसाब काम करना छोड़ देंगे। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, ग्लोरिया की क्या खबर है? पहले तुम नाश्ता कर लो। मैं खामोशी से नाश्ता करने लगा। इस दौरान में वो लोग इधर उधर के मौजूदों पर गुफ्तगू करने लगे। नाश्ते से फारे होकर मैंने सिगरेट सुलगाई और हल्के हल्के कश लेने लगा। तैमूर भी सिगरेट फूंक रहा था। फिर वो आहिस्ता से बोला, हम ग्लोरिया का सुराग खो चुके हैं। क्या मतलब? मैंने महज अंदाजा लगाया था कि इस वक्त ग्लोरिया कहाँ होगी, मगर मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। तुम ऐसा करो, जमारी साहब से रابطہ करो, उनका नंबर एक्सचेंज से मिल जाएगा। उनसे आज किसी वक्त मिलने का वक्त ले लो। उनसे वक्त मिलना बहुत मुश्किल है, तुमने 2 हफ्ते से अखबार नहीं पढ़ा। वरना क्या जमारी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए? मैंने चौंक कर पूछा। हुकूमत ने मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, वो इस सिलसिले में ज्यादा मसरूफ होंगे। अच्छा, किस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जमाली साहब? इन इंतखाबात में कोई सियासी पार्टी शिरकत नहीं कर सकती। सियासी पार्टी नहीं तो क्या कव्वाल पार्टी शिरकत करेगी? हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके मुताबिक ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। खैर, तुम जमाली साहब से रابطے की कोशिश तो करो। ऐसी भी क्या मसरूफियत, वो जलसों में मसरूफ तो होंगे ना, तो हुआ करें हम उनसे किसी जलसे के मौके पर भी मुलाकात कर सकते हैं। शाजिया, तुम ऐसा करो, फोन यहीं ले आओ। थोड़ी देर बाद शाजिया कॉर्डलेस ले आई। मैंने ऑपरेटर से जमाली साहब के आबाई गांव का टेलीफोन नंबर भी ले लिया था। ये तो तय था कि जमाली साहब अपने आबाई हलके से ही उम्मीदवार होंगे। ज्यादा इम्कान यही थे कि वो अपने आबाई गांव में ही मौजूद हों। कई दफा की कोशिश के बाद आखिरकार जमाली साहब के गाँव का नंबर मिल ही गया। शाजिया ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाया। दूसरी तरफ शायद जमाली साहब का कोई मुलाजिम था। मैंने बावकार लहजे में कहा, मुझे जमाली साहब से बात करनी है। साईं, रईस तो उस वक्त एक जलसे में गया है, 4 बजे तक आएगा। आप कौन बोल रहे हो साईं? अरे बाबा, मैं कराची से बोल रहा हूँ, शाम को फिर फोन करूंगा। तैमूर, मेरा ख्याल है कि हम जमाली साहब के गांव का चक्कर लगा लें। मैं इसका मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। तुम्हारा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। वहां तक जाने के लिए हमें नेशनल हाईवे पर सफर करना होगा। पुलिस अभी तक तुम्हें तलाश कर रही है, हम रास्ते में ही धर लिए जाएंगे। अगर हम जमाली साहब के गाँव पहुँच भी गए तो मजीद खतरे में पड़ जाएंगे। जमाली साहब पहले ही पीटर की नजरों में हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ पीटर के आदमी जरूर मौजूद होंगे और आप माशाल्लाह बैनुल अक्वामी शख्सियत हैं। ना सिर्फ आप वतन अजीज में मकबूल हैं, बल्कि बैनुल अक्वामी खुफिया इदारे भी आपसे मिलने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं। तुम ऐसी बुढ़िया वाली बातें कब से करने लगे? हैरत अंगेज बात है, आप तैमूर कहीं जाने से पहले खतरे की बात कर रहे हैं। क्या जबरदस्त चेंज है। ठीक है, आप यहाँ दुबके बैठे रहे, मैं अकेला भी वहाँ जा सकता हूँ। उससे भी ज्यादा आसान तरकीब है कि तुम हबीब बैंक प्लाजा की आखिरी मंजिल से जाकर छलांग लगा दो। उसमें ज्यादा से ज्यादा जान जाने का खतरा है ना, तो खतरात तो होते ही हैं।
मुझे तैमूर के अंदाज पर हंसी आ गई। तुम्हारा मतलब यह है कि जमाली साहब के गांव जाना और हबीब बैंक प्लाजा से छलांग लगाना एक बराबर है? तो और क्या समझो, जब एक काम टेलीफोन पर आसानी से हो सकता है तो अपनी जान दांव पर क्यों लगाई जाए? जमाली साहब से बात ही करना है ना, क्या उनकी शक्ल देखे बगैर काम नहीं होगा? तैमूर ठीक कह रहा था। 4 बजे के करीब शाजिया ने कहे बगैर ही जमाली साहब का नंबर डायल किया। 20-22 मरतबा कोशिश करने के बाद उसे मिल सका। पहले की तरह उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कराची से कामरान बोल रहा हूँ, जमाली साहब से बात करवा दे मेरी। मैंने लहजा तहमकाना बनाया। थोड़ी देर बाद लाइन पर जमाली था। हेलो, तुम कैसे हो कामरान? कहाँ से बोल रहे हो? कराची से। आप मुझे ग्लोरिया के बारे में बताएं। कौन ग्लोरिया? उन्होंने हैरत से पूछा। मुझे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भला ग्लोरिया से कब वाकिफ था? मैंने पूछा, मुझे उन लोगों के बारे में बताइए जिनकी कैद में थे आप। ये बातें मैं फोन पर नहीं बता सकता। तुम यहाँ गोठ आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सी इत्तलात हैं। ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। तैमूर, हम अभी और इसी वक्त जमाली साहब के गोठ जाएंगे। तुम अगर जाने पर बसित हो तो अपने हुलिया में कुछ तब्दीली कर लो। मैं और तैमूर गाड़ी के बजाय ट्रेन में जमाली साहब के गाँव रवाना हो गए। शाजिया भी जिद करके हमारे साथ रह गई थी। नजीर ने भी हमारे साथ चलना चाहा, मगर मैंने उसे कराची में रोक दिया था। मेरा हुलिया बिल्कुल गैर मुल्की नामा निगारों की तरह था। जीन्स और जैकेट, आंखों पर गोल शीशों वाले सुनहरी ऐनक थी और लंबे लंबे बाल मेरे शानों पर झूल रहे थे। तैमूर हुलिया से सिंध का एक छोटा मोटा जमींदार नजर आ रहा था। शाजिया भी अमेरिकन हुलिये में थी। हम लोग ट्रेन में इत्मीनान से बैठ गए तो नजीर रुखसत हो गया। ट्रेन ने रवानगी की विसल दी और चलने ही वाली थी कि प्लेटफार्म पर भगदड़ सी मच गई। मैंने खिड़की का शीशा उठाकर प्लेटफार्म की तरफ देखा। प्लेटफार्म पर फौजी ही फौजी थे। मैंने ट्रेन से उतरने का इरादा किया, मगर उसी वक्त चंद फौजी डिब्बे में घुस आए। उनके हाथों में राइफलें थी और उनका रुख हमारी तरफ था।